हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40 फीट बाई 40 फीट, वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी 3 साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 40 फीट है। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है। और अगर बात करते हैं हमारी प्लॉट की लंबाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो भी हमारे पास है 40 फीट है। 40 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 40 × 40 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा। और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ हमारा इस प्लॉट का मुख है, बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। जो हमारा प्लॉट है वो सिर्फ एक ही तरफ से ओपन है, वो है वेस्ट फेस की तरफ। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको एक बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है। इस बाउंड्री वॉल पर हमारे पास दो मेन गेट है, एक तो 5 फीट का मेन गेट है और एक 10 फीट का मेन गेट है। इस 10 फीट के मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट 4 इंच बाई 16 फीट 4 इंच। 11 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 4 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई के अंदर। तो यहाँ पर हमारे आराम से एक कार पार्क हो जाएगी। अब इस 5 फीट के मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 फीट का हमारे पास ओपन पैसेज आएगा और उसके बाद में हमारे पास आउटर सेटिंग बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जैसे ही 2-3 स्टेयर अप करते हैं तो हमारे पास सारा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12 फीट। 12 बाई 12 का ये हमारा लिविंग एरिया, जिसके अंदर यहाँ पर आपके सोफे लग जाएंगे, यहाँ पर बीच में टेबल हो जाएगी और यहाँ पर कुछ एल टाइप के अंदर यहाँ पर हमारी विंडो निकल रही है कॉर्नर पर, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास 3.5 फीट का दरवाजा है और ये हमारा आ रहा घर का पहला बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 फीट × 12 फीट का ये हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा। और इस बेडरूम की एक विंडो हमारी सामने निकल रही है और एक विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। उत्तर दिशा के अंदर हमने सामने से लेके पीछे तक बाउंड्री वॉल को छोड़कर 2 फीट 7 इंच का पैसेज छोड़ रखा है। ये देखिए, सामने से लेके पीछे तक हमारा पूरा 2 फीट 7 इंच का पैसेज है, जिसके कारण हमारा इस बेडरूम का वेंटिलेशन भी बना रहेगा और कभी भी हवा वगैरह की कमी नहीं आएगी। तो इसके अंदर इस बेडरूम की हमारी विंडो निकल रही है उत्तर दिशा के अंदर। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा टॉयलेट बना हुआ, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट × 7 फीट 9 इंच। 6 फीट बाई 7 फीट 9 इंच का हमारा टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन भी उत्तर दिशा के अंदर नॉर्थ के अंदर निकल रहा है। टॉयलेट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा घर का दूसरा बेडरूम आ रहा, जिसकी हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12.5 फीट है। 11 फीट × 12.5 फीट का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर टीवी और यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगा। और इस बेडरूम की भी एक 4 फीट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है और एक 4 फीट की विंडो पीछे पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने 4 फीट 4 इंच चौड़ाई के अंदर यहाँ पर पैसेज छोड़ा, जो कि यहाँ तक है। आप इसको यूटिलिटी एरिया के लिए किसी भी तरीके से काम में ले सकते हो। तो इसके अंदर इस बेडरूम की विंडो पीछे की तरफ भी निकल रही है। बेडरूम से आप इस बाहर आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास आ रहा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया से सीधा चलते हैं तो यहाँ पर कोई दरवाजा वगैरह नहीं है, सीधा आर्च रहेगा। यहाँ से हम जैसे ही एंटर होते हैं तो पहुँचते हैं ओपन किचन विथ डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट बाई 12.5 फीट है। 12 फीट × 12 फीट 6 इंच का ये हमारा ओपन किचन विथ डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर यहाँ पर किचन का वर्किंग स्लैब लग जाएगा और यहाँ पर हमारी 5 सीटर डाइनिंग टेबल लग जाएगी। और इस ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया की जो हमारी विंडो है वो भी हमारी पीछे निकल रही है और इस पीछे जो पैसे छोटा का उसके अंदर जाने के लिए यहीं से हमने 2.5 फीट का दरवाजा भी दे रखा है। अब वापस इस ओपन किचन और डाइनिंग एरिया इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास स्टेयर बना हुआ है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट बाई 3 फीट का हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा, और जिसकी विंडो हमारे पास सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है, ठीक है, ताकि स्टेयर केस के अंदर प्रकाश वगैरह बना रहे धूप, ठीक है। अब जहाँ पर स्टेयर केस अप हो रहा है उसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा आ रहा घर का तीसरा बेडरूम, जिसके हमारे पास साइज है 11 फीट बाई 12 फीट है। 11 बाई 12 का ये हमारा तीसरा बेडरूम है, जिसके अंदर यहाँ पर बेड, यहाँ पर वार्डरोब और यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा। और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो भी जो हमारा पैसेज छोटा का पीछे उसके अंदर निकल रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हो गई हमारी वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा। यहाँ पर 5 फीट का मेन गेट, यहाँ पर 10 फीट का मेन गेट, ये हमारा हो गया पार्किंग, यहाँ पर आउटर सेटिंग, ये हमारा घर का मेन डोर, यहाँ पर लिविंग एरिया, यहाँ पर बेडरूम, टॉयलेट, बेडरूम
ओपन किचन विद डाइनिंग एरिया, यहाँ पर स्टेयरकेस और यहाँ पर बेडरूम हो गया, और पीछे ये 4 फीट 4 इंच का ओपन और यहाँ पर 2 फीट 7 इंच का ओपन। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरी उसकी डिटेल वगैरह समझ में आ जाए। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है, अगर ऐसे वीडियो देखना आपको अच्छे लगते हैं, तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।